नमस्ते, आज हम पढ़ेंगे इंडो चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में। इस विषय के 8 भाग है। हम शुरू करेंगे अपने विशिष्टता के पहले वियतनाम की स्थिति से लेके वियतनाम युद्ध के अंत तक। चीन की छाया से उभरना, यह हमारा पहला भाग है। वियतनाम ने भारत से पहले 1945 में स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन 3 दशक की लड़ाई के बाद ही वियतनाम गणराज्य का गठन किया गया था। इंडो चाइना में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के आधुनिक देश शामिल हैं। 1858 में फ्रांसीसी सैनिक वियतनाम में उतरे और 1880 के दशक के मध्य तक उन्होंने उत्तर वियतनाम पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। फ्रेंको चीनी युद्ध के बाद फ्रांसीसियों ने टोंकिन और अनाम पर कब्जा कर लिया और 1887 में फ्रांसीसी इंडो चाइना का गठन किया गया था। फ्रांसीसियों ने खेती बढ़ाने के लिए मेकोंग डेल्टा में नहरों का निर्माण किया। सिंचाई कार्यों की विशाल प्रणाली, मुख्य रूप से जबरदस्ती द्वारा श्रम के साथ निर्मित, चावल का उत्पादन बढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल का एक्सपोर्ट शुरू किया। चावल की खेती का क्षेत्र 1873 में 2,74,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1900 में 1.1 मिलियन हेक्टेयर और 1930 में 2.2 मिलियन हो गया। वियतनाम 1931 तक दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। इसके बाद व्यापार के लिए माल परिवहन, सैन्य चौकियां के स्थानांतरित करने के लिए और पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का पालन किया गया। एक ट्रांस इंडो चाइना रेल नेटवर्क का निर्माण वियतनाम और चीन को जोड़ने के लिए किया गया। 1920 के दशक तक व्यवसाय के लाभ को बढ़ाने के लिए फ्रेंच ने वियतनामी शासन पर दबाव डालना शुरू किया। वियतनाम में आर्थिक विकास में कई बाधाएं थी। उच्च जनसंख्या स्तर, कम कृषि उत्पादकता और किसानों के बीच व्यापक कर, जैसे कि जापान के अनुभव से पता चलता है, अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए औद्योगिकीकरण आवश्यक होगा। हालांकि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, चावल की खेती और फ्रेंच और वियतनामी अभिजात वर्ग के इंडेंचर्ड लेबर वाले रबर के प्लांटेशन पर निर्भर थी। फ्रांस ने अर्थव्यवस्था को औद्योगिकीकरण करने के लिए बहुत कम किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारी फैल गई और जीवन स्तर में गिरावट आई। दूसरा भाग है औपनिवेशिक वियतनाम में शिक्षा। भारत में अंग्रेजों की तरफ फ्रांसीसियों ने दावा किया कि वे वियतनाम के लिए आधुनिक सभ्यता ला रहे हैं। फ्रांसीसी शिक्षित श्रम चाहते थे, लेकिन यह समस्याएं भी पैदा कर सकता था। एक बार शिक्षित होने के बाद वियतनामी औपनिवेशिक वर्चस्व पर सवाल शुरू करना कर सकते थे। इसके अलावा वियतनाम में फ्रांसीसी नागरिकों को डर था कि वे शिक्षित वियतनामी के हाथों अपनी नौकरी खो देंगे। उन्होंने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया और वियतनामी लोगों के लिए फ्रेंच स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने सुझाव दिया कि वियतनामी को निचली कक्षाओं में और फ्रेंच को उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाए। जिन लोगों ने फ्रेंच सीखी और फ्रांसीसी संस्कृति हासिल की, उन्हें फ्रांसीसी नागरिकता से पुरस्कृत किया। वियतनामी का प्रतिनिधित्व अविकसित रूप में किया गया। स्कूली बच्चों को बताया गया कि वियतनाम में केवल फ्रांसीसी शासन ही शांति सुनिश्चित कर सकता है। टोंकिन फ्री स्कूल की शुरुआत 1907 में पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रेंच की कक्षाएं शामिल थी। विज्ञान और पश्चिमी विचारों को सीखना ही काफी नहीं था, आधुनिक होने के लिए वियतनामी को आधुनिक दिखना भी था। स्कूल ने पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे कि छोटे बाल कटवाने। वियतनामी लोगों के लिए इसका मतलब उनकी अपनी पहचान के साथ एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि वे पारंपरिक रूप से लंबे बाल रखते थे। कभी खुला विरोध हुआ तो कभी मौन प्रतिरोध। जैसे जैसे निचली कक्षाओं में वियतनामी शिक्षकों की संख्या बढ़ती गई, वास्तव में जो पढ़ाया जाता था उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। वे देशभक्ति की भावना और इस विश्वास से प्रेरित थे कि शिक्षितों का कर्तव्य समाज के लाभ के लिए लड़ना है।
1920 के दशक तक छात्र विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन कर रहे थे, जैसे कि यंग अनान की पार्टी। फ्रांसिसियो ने उन्हें फ्रांसीसी सभ्यता की श्रेष्ठता और वियतनाम की हीनता में विश्वास दिलाने की कोशिश की। दूसरी ओर वियतनामियों को डर था कि वियतनाम न केवल अपने क्षेत्र पर नियंत्रण खो रहा है, बल्कि अपनी पहचान भी खो रहा है। तीसरा भाग, स्वच्छता, रोम और दैनिक प्रतिरोध। जब फ्रांसिसियो ने एक आधुनिक वियतनाम बनाना शुरू किया तो उन्होंने हनोई के पुनर्निर्माण का फैसला किया। वही औपनिवेशिक देशों में बीमारी का प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपायों ने गंभीर सामाजिक संघर्ष पैदा किए। हनोई के फ्रांसीसी हिस्सों को एक सुंदर और स्वच्छ शहर के रूप में बनाया गया था, जिसमें एक अच्छी तरह से तैयार सीवर प्रणाली थी, जबकि मूल क्वार्टर में कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। पुराने शहर का कचरा सीधे नदी में बहा दिया जाता था, या बारिश या बाढ़ के दौरान या सड़कों पर बह जाता था। शहर के आधुनिक हिस्से में बड़े सीवर आधुनिकता के प्रतीक चूहों के लिए एक आदर्श और सुरक्षित प्रजनन स्थल बन गए। सीवर ने एक महान परिवहन प्रणाली के रूप में भी काम किया, जिससे चूहों को बिना किसी समस्या शहरों के चारों ओर घूमने की इजाजत मिली, और चूहों ने सीवेज पाइप के माध्यम से फ्रांसीसी के घरों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इस आक्रमण को रोकने के लिए 1902 में एक चूहे का शिकार शुरू किया गया था। फ्रांसीसी ने वियतनामी श्रमिकों को काम पर रखा और उनके द्वारा पकड़े गए प्रत्येक चूहे के लिए उन्हें भुगतान किया। जिन लोगों ने सीवर में प्रवेश करने का गंदा काम किया, उन्होंने संगठित होकर उच्च इनाम के लिए बातचीत की। उन्होंने स्थिति के लाभ उठाने के नए तरीके भी खोजे। इनाम का भुगतान तब किया जाता था जब चूहे को मारे जाने के सबूत के तौर पर उनकी पूंछ दी गई। इसलिए चूहे पकड़ने वालों ने केवल पूंछों को कतरना और चूहों को छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इनाम कमाने के लिए चूहों को पालना भी शुरू कर दिया था। इस कारण फ्रांसीसी को इनाम कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। 1903 में हानोई के आधुनिक हिस्से में बुबोनिक प्लेग फैल गया इस कारण। चौथा भाग, धर्म और उपनिवेश विरोधी। वियतनाम की धार्मिक मान्यताएं बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय प्रथाओं का मिश्रण थी। फ्रांसीसी मिशनरी द्वारा शुरू किया गया ईसाई धर्म वियतनामी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के प्रति असहिष्णु था। कैथोलिक मिशनरी 17वीं शताब्दी से शुरुआत में धर्मांतरित लोगों के जीतने में सक्रिय थे, और 18वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 3 लाख लोगों ने धर्मांतरित किया था। 1868 में स्कॉलर्स रिवोल्ट ईसाई धर्म और फ्रांसीसी नियंत्रण के प्रसार के खिलाफ एक प्रारंभिक आंदोलन था। उन्होंने न्यू एन और हार्टियन क्षेत्रों में एक सामान्य विद्रोह का नेतृत्व किया, जहां 1000 से अधिक कैथोलिक मारे गए। फ्रांसीसी ने आंदोलन को कुचल दिया, लेकिन इस विद्रोह ने अन्य देशभक्तों को उनके खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया। कुछ धार्मिक आंदोलनों ने फ्रांसीसी का समर्थन किया, लेकिन अन्य ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आंदोलनों को प्रेरित किया। ऐसा ही एक आंदोलन था हुआ हाव। यह 1939 में शुरू हुआ और मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में बहुत लोकप्रियता हासिल की। हुआ हाव के संस्थापक हुइन फु थे। उन्होंने कई चमत्कार किए और गरीबों की मदद की। उन्होंने बाल वधू की बिक्री, जुआ, शराब और अफीम के इस्तेमाल का भी विरोध किया। फ्रांस ने हुइन फु से प्रेरित आंदोलनों को दबाने की कोशिश की। उन्हें पागल घोषित किया और मैड बॉन्च कहा। उन्हें एक पागल खाने में भी डाल दिया गया था। फ्रेंच अधिकारियों ने उसे लाओस निर्वासित कर दिया और उसके बहुत से अनुयायियों को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा। पांचवा भाग, आधुनिकीकरण का दृष्टिकोण। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रतिरोध का नेतृत्व अक्सर कॉन्फ्यूशियस विद्वान कार्यकर्ता करते थे। कॉन्फ्यूशियस परंपरा में शिक्षित फान बॉय चाओ ऐसे ही एक राष्ट्रवादी थे। उन्होंने 1903 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी का गठन किया। फान बॉय चाओ ने 1905 में योकोहामा में चीनी रिफॉर्मर लियांग किशाओ से मुलाकात की। फान बॉय चाओ की सबसे प्रभावशाली किताब द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम
खिंचाव की सलाह और प्रभाव में लिखी गई थी। अन्ना राष्ट्रवादियों में से एक थे फैन चू त्रिन। उनकी इच्छा एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने की थी। उन्होंने स्वतंत्रता के फ्रांसीसी क्रांतिकारी के आदर्श को स्वीकार कर लिया, लेकिन फ्रांसीसी पर आदर्श का पालन न करने के आरोप लगाया। प्रारंभिक वियतनामी राष्ट्रवादियों ने जापान और चीन के साथ करीबी संबंध थे। 20वीं सदी के पहले दशक में एक गो ईस्ट मूवमेंट लोकप्रिय हो गया। 1907 से 8 में लगभग 300 वियतनामी छात्र आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान गए, जिनका प्राथमिक उद्देश्य वियतनाम से फ्रांसीसी को बाहर निकालना था। जापान ने खुद का आधुनिकीकरण किया था और पश्चिम औपनिवेशीकरण का विरोध किया था। वियतनामी छात्रों ने टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी की एक शाखा की स्थापना की, लेकिन 1908 में के बाद जापानी आंतरिक मंत्रालय ने उसे बंद कर दिया। फान बॉय चाउ सहित कई लोगों को निर्वासित कर दिया गया। 1911 में चीन में लंबे समय से स्थापित राजशाही को सन यात-सेन के नेतृत्व में एक आंदोलन ने उखाड़ फेंका और एक गणतंत्र की स्थापना की गई। इससे प्रेरित होकर वियतनामी छात्रों ने एसोसिएशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम का आयोजन किया। उद्देश्य अब एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना नहीं था, बल्कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य था। छठा भाग, कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद। 1930 के दशक में द ग्रेट डिप्रेशन का वियतनाम पर गहरा प्रभाव पड़ा। रबड़ और चावल की कीमतें गिर गई, जिससे बढ़ते ग्रामीण कर्ज, बेरोजगारी और ग्रामीण विद्रोह हो गए। फ्रांसीसी ने इन विद्रोहों को बड़ी गंभीरता के साथ दबा दिया, यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों पर बम गिराने के लिए विमानों का उपयोग भी किया। फरवरी 1930 में हो ची मिन ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की, जिसे बाद में इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। 1940 में जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया को नियंत्रित करने के लिए वियतनाम पर कब्जा कर लिया, इसलिए राष्ट्रवादियों को अब फ्रांसीसियों के साथ साथ जापानियों से भी लड़ना पड़ा। द लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम अथवा वियत मिन ने जापानी कब्जे से लड़ाई लड़ी और सितंबर 1945 में हानोई पर कब्जा कर लिया। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का गठन किया गया और हो ची मिन अध्यक्ष बने। नए गणराज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फ्रांसीसी ने अपनी कठपुतली के रूप में सम्राट बाओ दाई के उपयोग करके नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की। फ्रांसीसी आक्रमण का सामना करते हुए वियतनाम को पहाड़ियों पर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 8 साल की लड़ाई के बाद 1954 में डिएन बिएन फू में फ्रांसीसी हार गए। 7 मई 1954 को वियतनाम ने फ्रांसीसी एक्सपेडिशनरी कॉर्प्स के 16,000 से अधिक सैनिकों को पकड़ लिया। फ्रांसीसी हार के बाद जिनेवा में शांति वार्ता में वियतनामी को देश के विभाजन को स्वीकारना पड़ा। उत्तर और दक्षिण बट गए। हो ची मिन और कम्युनिस्ट ने उत्तर सत्ता संभाली, जबकि दक्षिण में बाओ दाई शासन सत्ता में आई। बाओ दाई शासन को जल्दी नो दिन डीएम ने नेतृत्व में तख्ता पलट से उखाड़ फेंका गया था। डीएम ने एक सत्तावादी सरकार बनाई। जो भी उसका विरोध करता था उसे कम्युनिस्ट कहा जाता था और जेल में फेंक दिया जाता था अथवा मार दिया जाता था। नेशनल लिबरेशन फ्रंट NLF के रूप में एकजुट एक व्यापक विपक्ष ने उनके शासन का विरोध किया। उत्तर में हो ची मिन सरकार की मदद से NLF ने देश के एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी। अमेरिका ने इस गठबंधन को डर की निगाह से देखा। कम्युनिस्टों की सत्ता हासिल करने के बारे में चिंतित उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। 1965 से 1972 तक 34 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिकों ने वियतनाम में लड़ाई लड़ी। भले ही अमेरिका के पास उन्नत तकनीक और अच्छी औषधियां आपूर्ति थी, हताहतों की संख्या अधिक थी। युद्ध में लगभग 47,000 मारे गए और 3 लाख घायल हुए। नागरिक भी बड़ी संख्या में मारे गए थे। व्यापक प्रसार और रासायनिक हथियारों के उपयोग, नेपाम, एजेंट ऑरेंज और फॉस्फोरस बॉम्ब ने कई गांवों और जंगलों को नष्ट कर दिया। युद्ध का असर अमेरिका के भीतर भी महसूस हुआ। कई लोगों ने सरकार से इस युद्ध में शामिल होने की आलोचना की।
जब युवाओं को युद्ध के लिए तैयार किया गया तो गुस्सा और फैल गया। हालांकि सशस्त्र बलों में अनिवार्य सेवा विश्वविद्यालय के स्नातकों के लिए माफ़ कर दी गई थी, लड़ने के लिए भेजे गए लोगों में से कई मजदूर वर्ग के परिवार के बच्चे थे। अमेरिका नीति नियोजकों के बीच इस डर से युद्ध बढ़ गया कि वो होचिनमिन की सरकार की जीत से डोमिनो प्रभाव शुरू होगा, इस क्षेत्र के अन्य देशों में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हो जाएंगी। हो चिन मिन ट्रेल प्रतीक है कि कैसे वियतनामी ने अपनी सीमित संसाधनों का बड़े लाभ के लिए उपयोग करते थे। उत्पादों और सड़कों का एक विशाल नेटवर्क उत्तर से दक्षिण तक पुरुषों और सामग्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता था। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में ट्रेल में सुधार हुआ था और 1967 में लगभग 20,000 उत्तरी वियतनामी सैनिक इस रास्ते पर हर महीने दक्षिण में आते थे। ट्रेल के रास्ते में सपोर्ट बेस, अस्पताल बनाए गए। कुछ हिस्सों में आपूर्ति ट्रकों में जाती थी, लेकिन ज़्यादातर उन्हें कूलिया द्वारा ले जाया जाता था, जो मुख्य रूप से महिलाएं थीं। अधिकांश ट्रेल वियतनाम के बाहर पड़ोसी लाओस और कंबोडिया में थी, जिसकी शाखाएं दक्षिण वियतनाम में फैली हुई थी। आपूर्ति को बाधित करने की कोशिश में अमेरिका ने इस ट्रेल पर बमबारी की, लेकिन वह विफल रहे क्योंकि इसे बहुत जल्द ही फिर से बनाया जाता था। सातवां भाग, राष्ट्र और उसके नायक। वियतनाम में पारंपरिक रूप से महिलाओं में चीन की तुलना में अधिक समानता थी, खासकर निम्न वर्गों में। जैसे जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़ता गया, महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठने लगे और नारीत्व की एक नई छवि सामने आई। 1960 के दशक में पत्रिकाओं में तस्वीरों ने महिलाओं को बहादुर सेनानियों के रूप में दिखाया गया। महिला मिलिशिया के विमानों को मार गिराने की तस्वीरें थी, उन्हें युवा बहादुर और समर्पित के रूप में चित्रित किया गया था। कुछ कहानियों ने अकेले ही दुश्मन को मारने की ऐसी अविश्वसनीय बहादुरी की बात की। महिलाओं को न केवल योद्धाओं के रूप में बल्कि श्रमिकाओं के रूप में भी दर्शाया गया। उन्हें एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में हथौड़ा दिखाया गया था। 1960 के दशक में कई महिलाओं प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हुई। उन्होंने घायलों की देखभाल करने, भूमिगत कमरे और सुरंग बनाने और दुश्मन से लड़ने में मदद की। हो ची मिन्ह ट्रेल के साथ युवा स्वयंसेवकों ने 2,000 किलोमीटर सड़कों का खुला रखा और 2,500 प्रमुख बिंदुओं की रक्षा की। उन्होंने 6 हवाई पट्टियां बनाई, हजारों बमों को निष्क्रिय किया, हजारों किलोग्राम माल, हथियार और भोजन पहुंचाया और 15 विमान को मार गिराया। 1965 और 1975 के बीच इस राह पर काम करने वाले 17,000 युवाओं में से 70 से 80% महिलाएं थीं। 1970 के दशक तक जैसे जैसे शांति वार्ता चल रही थी, युद्ध का अंत निकट आ रहा था। महिलाओं को अब कृषि सहकारी समितियों, कारखानों और उत्पादन इकाइयों में काम करते हुए दिखाया गया है। आठवां भाग, युद्ध का अंत। युद्ध के लंबे समय तक चलने ने यह साबित कर लिया कि अमेरिका अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा। इस बीच हजारों युवा अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी और अनगिनत वियतनामी नागरिक मारे गए थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसे प्रथम टेलीविजन युद्ध कहा गया। दैनिक समाचार कार्यक्रम में युद्ध के दृश्य दिखाए जाते थे। जनवरी 1974 में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसने अमेरिका के साथ संघर्ष को समाप्त कर दिया, लेकिन साइगन शासन और NLF के बीच लड़ाई जारी रही। NLF ने 30 अप्रैल 1975 को साइगन में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और उत्तरी और दक्षिण वियतनाम को एकीकृत किया। अंग्रेजी शब्दावली, इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर का अर्थ है मजदूरों ने ठेके के आधार पर काम किया, जो मजदूरों को कोई अधिकार नहीं देते थे बल्कि नियोक्ताओं को अपार शक्ति देते थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप एक ऐसा जेल जहां लोगों को कानूनी प्रक्रिया के बिना ही हिरासत में लिया जाता था। नेपाम।
नेपाम एक कार्बनिक कंपाउंड जिसका उपयोग आग के बमों के लिए गैसलीन को गाढ़ा करने के लिए किया जाता था। मिश्रण धीरे धीरे जलता था और मानव शरीर जैसी सतहों के संपर्क में आने पर चिपक जाता था और जलता रहता था।